अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे छोटी ए की दरमियानी शक्ल। दो हरूफ के दरमियान में अगर छोटी ए आए तो शोशा बनाकर इसके नीचे दो नुक्ते लगाए जाते हैं और साथ ही जेर भी लगाया जाता है। जैसे ते ये नून, इसके दरमियान में कौन सा हर्फ है? छोटी है। जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो ते ये शोशा बन गया और नून, और उसके नीचे जेर आ गया। क्या बना? तीन। और इसकी आवाज़ क्या होती है? छोटी की आवाज़ होती है ई की आवाज़ होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये शोशा बना हुआ है और इसके नीचे दो नुक्ते लगे हुए हैं और नीचे जेर लगा हुआ है। दो हरूफ के दरमियान आने पर मैं अपना शोशा बना लेती हूँ, दो नुक्ते भी साथ रखती हूँ, मेरा दोस्त जेर भी साथ आता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये दो नुक्ते और नीचे जेर। यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जिनके दरमियान में छोटी ए आया है। अब हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हुरूफ तोड़ के लिखे हुए हैं और यहाँ पर हुरूफ को जोड़ा हुआ है। ये देखें, दरमियान में क्या आया हुआ है? छोटी ए। ते ये जेर ती, नून साकिन, तीन। ते की आधी शक्ल बनाई, छोटी ए की आधी शक्ल, ये शोशा बनाया और नून। ते ये जेर ती, रे साकिन, तीर। काफ ये जेर की, लाम साकिन, कील। नून ये जेर नी, लाम अलिफ जबर ला, नीला। पे ये जेर पी, लाम अलिफ जबर ला, पीला। एन ये जेर ई, दाल ये जेर ती, ईदी। चे ये जेर ची, नून ये जेर नी, चीनी। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये अल्फाज अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आप इन अल्फाज को याद करें, इन अल्फाज को लिखने की मश्क करें। एक वर्कशीट दी जा रही है, उसे भी मुकम्मल करें। अल्लाह हाफिज।